हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज इस छोटे सेशन में हम डिस्कस करने वाले वो पांच महत्वपूर्ण बातें जिसके बिना यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना नामुमकिन है, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसी क्या पांच चीजें जिनका आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, जिसके बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, उनके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। तो पहली बात जो आप सभी को ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम लाइक यूजीसी नेट, एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट। हर यूनिट का एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन बराबर, किसी से 10, किसी से 12, किसी से 11। सो सभी यूनिट को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना, इट मींस कि यूनिट वाइज स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप सोचेंगे कि तीन चार यूनिट तैयार कर लेते हो बाकी से काम हो जाएगा, नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर जेआरएफ, अगर आप जेआरएफ नेट क्रैक करना चाहते हैं तो नहीं होने वाला, बिकॉज हर यूनिट के क्वेश्चंस की क्वांटिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो इसलिए हर यूनिट का स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट होता है प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले सालों में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, ओके, कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस टॉपिक से, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या होते हैं, दे आर लाइक क्लूज, वो आपको क्लू देते हैं टू क्रैक द होल सिलेबस, ओके। जैसे एक क्रॉसवर्ड पजल होता है ना, तो उसमें क्लूज होते हैं कि इस पजल को कैसे सॉल्व करना है। वैसे ही दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज लाइक अ पजल, एंड इफ यू वांट टू क्रैक इट यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर। तो दूसरी बात जो है आप लोगों को जहन में बांध देनी है कि अगर बिना प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, तो वही है जो आपको रास्ता दिखाएंगे, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे, यहां वहां की चीजें पढ़ते रहेंगे एंड इट विल बी यूजलेस। आप लोग अक्सर किताबों से पढ़ते रहते हैं तो किताबों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए काम की नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन काम की है, क्या नहीं है, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप तभी बेटर बन सकते हैं जब आपकी स्टडी स्मार्ट हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको बाकी सबसे आगे निकाल देते हैं कि आपको पता है कि क्या आने वाला है, ओके। तो सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस, ओके, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना, बार बार अटेम्प्ट करना, यूनिट वाइज पता होना चाहिए किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी, अनुमान आधारित अध्ययन। अब ये अनुमान आधारित अध्ययन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैंने अपने लाइफ में, जब मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन JRF जो है पहली बार में क्रैक किया था, सो मैंने प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी का मैं आपको बताता हूँ, ये एक अपने आप में सीक्रेट है कि प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी क्या होती है, कि You just don't read the topic, okay? आप सिर्फ टॉपिक को नहीं पढ़ते, यू ट्राई टू प्रिपेयर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर, कि पिछले साल इस टॉपिक से ये पूछा गया था, okay? Last time they have asked this particular thing from this particular unit. ये वाली चीज पूछी गई थी एग्जाम में, तो अगली बार क्या आ सकता है ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, और उससे पढ़ेंगे तो चीजें इजिली लर्न ज्यादा होती है, बिकॉज वी ह्यूमन आर सेल्फिश, जब तक लालच नहीं तब तक तैयारी नहीं, ठीक है। तो लालच डालिए अपनी तैयारी में, थोड़ा सा लालच को भूलिए, फिर देखिए तैयारी चुटकियों में होती है और चुटकियों में सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो पहले खुद को ये लालच देना पड़ेगा कि अच्छा पिछली बार ये आया था तो इस बार हो सकता है कि इस थिंकर की ये वाली किताब पूछ लें, इस बार हो सकता है कि इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लें इन टॉपिक्स के बारे में। तो यू हैव टू प्रिज्यूम थिंग्स कि लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड दिस थिंग इन दिस नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे कैन आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, सो इन दैट मैनर यू विल बी एबल टू लर्न मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जाम ओरिएंटेड, ओके। नाउ फाइन, तो थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। अब चौथा और पांचवा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो धमाकेदार इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, और वो धमाकेदार इन्फॉर्मेशन ये है कि सुपर क्रिसमस सेल आ चुकी है, 24 से लेके 25th तक, 24 और 25 दिसंबर को क्या रहेगी आपकी सुपर क्रिसमस सेल। तो अब देर किस बात की, अब अगर करनी है नेट JRF की स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, हर यूनिट का प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर प्रैक्टिस, तो फिर आप पहुंच जाइए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोर्स जो है आपको बहुत सस्ते ऑफर पे, मतलब पूरा सब्सक्रिप्शन कंप्लीट, पेपर वन प्लस पेपर टू प्लस मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, क्लास नोट्स, सब कुछ जो कुछ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो यहां आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत कम रेट पे, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर सेल है तो इसका फायदा उठा लीजिएगा दोस्तों, बिकॉज बाद में प्लान आपको महंगा पड़ेगा। तो 16 महीने का प्लान आपको तकरीबन 9,224 रुपए पड़ रहा है, और इसमें भी अभी यहां खत्म बात नहीं, इसके आगे भी ऑफर है। इसके आगे ऑफर क्या दिख रहा है, एक कूपन कोड दिख रहा होगा आपको,
PREDYUMN T, मतलब मेरा नाम और मेरा सरनेम टी, प्रद्युमन टी, प्रद्युमन त्रिपाठी। सो प्रद्युमन टी का उपयोग कीजिए। और इस पर भी ये जो प्राइस है 9,224, उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा आपको और 25%। ओके, सो इससे बेटर मौका कभी नहीं मिल सकता, ठीक है? तो ये क्रिसमस सेल का फायदा उठाइए। एक सेंटा का गिफ्ट है, मैं आप सभी का सेंटा हूं आपके लिए, तो एक आपके लिए सेंटा गिफ्ट है, सीक्रेट सेंटा गिफ्ट है। सो इस गिफ्ट का फायदा उठाइए और फटाफट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 1 से मैंने क्लासेस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के भी और पेपर 1 के भी। तो देरी किस बात की, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलिए, तो कूपन कोड याद रखिएगा, क्या है कूपन कोड? PREDYUMN T, प्रद्युमन टी, ठीक है? तो इस कूपन कोड का उपयोग कीजिएगा, फटाफट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जाइए, यूरसीनेट कैटेगरी खोलिए और सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, आसान है। उसी में EMI का ऑप्शन ही मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, तो EMI का ऑप्शन भी है, महीने महीने करके थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा और आपकी प्रिपरेशन पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे और पांचवे पॉइंट की, ठीक है? तो हमने तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी, कि प्रिज्यूम कीजिए कि कैसा आया है और उसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर इन अ स्मार्ट मैनर, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कि कम पढ़े बट अच्छा पढ़े और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़े, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े। अब इसके बाद बात आती है चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि थ्योरी पढ़ के, नोट्स पढ़ के, किताब पढ़ के हो जाएगा? नहीं, बिकॉज नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, कितना भी ज्ञान हो, अंटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस इट, अंटिल अनलेस यू डोंट अप्लाई इट, इट इज यूजलेस। बिकॉज आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो दिमाग में तो है बट एग्जाम में वो समझ में नहीं आया कि अच्छा कैसे क्वेश्चन टेक करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए यू हैव टू अटेंड मॉक टेस्ट, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस। आपकी कमियों को जानने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू एनहांस योर प्रिपरेशन। तो चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट। और उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आता है जो सभी के लिए, हर विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, टू स्टे काम, स्टे हैप्पी एंड स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। शांति रखिए अपने मन में, ठीक है? ठहराव से तैयारी होती है, ठीक है? घबराहट में तैयारी नहीं होती। अगर आप घबराते रहेंगे पूरे टाइम तो तैयारी नहीं होगी। सो स्टे काम, स्टे हैप्पी, मुस्कुराहट के साथ पढ़िए। ऐसे नहीं कि सिर दर्द हो रहा है, बाप रे बाप की क्या पढ़ाई है, तो सिर दर्द समझ के पढ़ेंगे तो पढ़ाई में फिर सक्सेस भी नहीं मिलेगी ना मजा आएगा, ठीक है? तो स्टे काम, स्टे हैप्पी एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से होगी, ये नहीं कि आज भाई मैंने 12 घंटे पढ़ लिया और कल मैंने मना ली छुट्टी। नहीं, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 3-4-5 घंटे जो भी आपसे पॉसिबल है, जितना आप टाइम निकाल पा रहे, बट डेली। तो आने वाले एग्जाम से पहले 6 महीने लगातार, अभी एग्जाम में वक्त है, तो 6 महीने 7 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो कोई नहीं है जो आपके रिजल्ट को रोक सके, आपके JRF का सिलेक्शन को रोक सके, ठीक है? तो बस कंसिस्टेंसी रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस यही था इस छोटी सी वीडियो में। तो ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आपका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है, हर यूनिट का ध्यान रखना है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तीसरा प्रिजम्पशन स्टडी, चौथा मॉक टेस्ट और पांचवा स्टे काम, स्टे हैप्पी एंड स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड मेरी क्लासेस के टाइमिंग यहां लिखे हुए हैं, 5 PM ऑन YouTube एंड 8 PM ऑन टेक्स्ट बुक सुपर बेसिकली टेक्स्ट बुक ऐप, मास्टर क्लास होती है, ये फ्री क्लास के टाइमिंग है। और बाकी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे नंबर भी, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, हेल्प चाहिए है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 8976955174। इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, आपको फर्दर बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड यू कैन एक्सेल इन योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।